गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू माय ईबीएस क्लास। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर नंबर 2। द चैप्टर नेम इज माय फैमिली, मेरा परिवार। तो शुरू करते हैं इस चैप्टर को। आई एम डैश, मेरा नाम डैश है, ठीक है, मैं डैश हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपना नेम लिखेंगे, आई एम डैश। आप गर्ल है या बॉय है वो आप लिखेंगे, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं यहाँ से। वी आर फोर मेंबर्स इन आर फैमिली, मेरे परिवार में चार सदस्य हैं। मेंबर्स मीन्स सदस्य। वी हैव अ स्मॉल फैमिली, हमारा परिवार छोटा है। अ स्मॉल फैमिली इज ऑल्सो कॉल्ड अ न्यूक्लियर फैमिली, और जो छोटा परिवार होता है उसे एकल परिवार भी कहते हैं। न्यूक्लियर मीन्स एकल। माई फादर्स पेरेंट्स आर माई ग्रैंड पेरेंट्स, जो मेरे पिता के जो माता पिता हैं वो मेरे दादा दादी हैं, ठीक है। दे लिव विद माई अंकल्स फैमिली, वे कहाँ रहते हैं, वे किनके साथ रहते हैं, मेरे चाचा के परिवार के साथ रहते हैं। माई अंकल इज माई फादर्स यंगर ब्रदर, जो मेरे अंकल है, चाचा है, वो कौन है, मेरे पापा के छोटे भाई हैं। यंगर मीन्स छोटे। हिज वाइफ इज माई आंट, और जो उनकी पत्नी है वो मेरी चाची हैं, ठीक है। अब आगे हैं, माई अंकल्स चिल्ड्रन आर माई कजन्स। कजन्स कौन होते हैं, चचेरे भाई बहन, ठीक है। तो मेरे अंकल के जो बच्चे हैं वो मेरे चचेरे भाई बहन हैं। देयर फैमिली इज अ जॉइंट फैमिली, जो उनका परिवार है वो संयुक्त परिवार है। जॉइंट फैमिली मीन्स संयुक्त परिवार, जॉइंट मीन्स संयुक्त। अ जॉइंट फैमिली इज अ बिग फैमिली, और जो संयुक्त फैमिली होती है, जो जॉइंट फैमिली होती है, वो बड़ी फैमिली कहलाती है। दे ऑल लिव इन अ बिग हाउस, वे सभी बड़े से घर में रहते हैं। ड्यूरिंग समर वेकेशन वी विजिट देयर होम, और गर्मियों की छुट्टियों में, समर वेकेशन मीन्स गर्मियों की छुट्टियों में, हम उनके घर जाते हैं और वहाँ रहते हैं, उनसे मिलने जाते हैं। वी ऑल एन्जॉय लिविंग एंड प्लेइंग टुगेदर, हम सभी साथ रहते हैं और साथ रह के खेलने का आनंद लेते हैं, ठीक है। हम मज़े करते हैं, साथ रहते हैं तो उनका आनंद लेते हैं। अब देखिए, व्हाट डू यू कॉल द फॉलोइंग, आप इनको क्या कहेंगे। फादर्स फादर, जो पापा के पापा होते हैं वो हमारे क्या लगते हैं, ग्रैंड फादर। यहाँ पे लिखेंगे ग्रैंड फादर, GRANDE, ग्रैंड फादर, FATHER, ग्रैंड फादर। मदर्स मदर, जो मम्मी की मम्मी होती है उन्हें भी हम ग्रैंड मदर कहते हैं, ग्रैंड मदर, GRANDFATHER, ग्रैंड फादर। जो मम्मी के पापा होते हैं वो भी हमारे क्या लगते हैं, ग्रैंड फादर, ठीक है। हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में तो नाना कहते हैं, नाना जी, लेकिन इंग्लिश में ग्रैंड फादर ही होता है। और फादर के जो मदर होते हैं, फादर्स मदर, जो पापा के मम्मी होते हैं, जो पापा की मम्मी होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, ग्रैंड मदर, ठीक है, दादी कहते हैं, मदर्स मदर। लेकिन जो मम्मी की जो मम्मी होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, इंग्लिश में ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर ही कहेंगे इंग्लिश में, लेकिन हिंदी में नानी कहते हैं। अब देखो, कहने में तो हम यही कहते हैं, लेकिन कहलाते क्या है एक्चुअल में। फादर्स पेरेंट्स आर कॉल्ड पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स, जो पापा के जो माता पिता होते हैं वो दादा दादी कहलाते हैं, ठीक है, इंग्लिश में पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स। और जो मदर्स पेरेंट्स आर कॉल्ड मैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स, और जो मम्मी के माता पिता होते हैं उन्हें हम नाना नानी कहते हैं, इंग्लिश में मैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है।
अब आगे चलते हैं, नीचे देखते हैं। शेयरिंग एंड केयरिंग, साझा करना और देखभाल करना। माई फैमिली मेम्बर्स लव हेल्प एंड रिस्पेक्ट ईच अदर, जो मेरे परिवार का सदस्य है। माई फैमिली मेम्बर्स, जो परिवार के सदस्य होते हैं वो एक दूसरे की सहायता करते हैं, प्यार करते हैं, ठीक है, प्यार करते हैं, सहायता करते हैं और एक दूसरे का आदर करते हैं। ईच अदर मतलब एक दूसरे का, ठीक है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। पेरेंट्स टेक केयर ऑफ ऑल नीड्स ऑफ देयर चिल्ड्रन, जो माता पिता होते हैं वो अपने बच्चों की सभी ज़रूरतों का ख्याल रखते हैं। ठीक है, नीड्स मीन्स ज़रूरतें, ठीक है, केयर मीन्स ख्याल रखना, चिल्ड्रन मीन्स बच्चे। चिल्ड्रन शुड ऑल्सो हेल्प देयर पेरेंट्स, और क्या है, बच्चों को भी अपने माता पिता की सहायता करनी चाहिए। पेरेंट्स फील वेरी हैप्पी व्हेन देयर चिल्ड्रन हेल्प देम डूइंग स्मॉल वर्क। क्या है, जो पेरेंट्स होते हैं वो बहुत ही खुशी महसूस करते हैं जब उनके बच्चे उनके छोटे मोटे कामों में उनकी सहायता करते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ तक हो गया। अब आगे चलते हैं, आगे ये चैप्टर हमारा फिनिश होता है। ठीक है, तो आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा, तो आपको ये चैप्टर अच्छे से समझना है और जो मैंने बोला है वो इसमें फिल करना है। ठीक है बच्चों, जय हिंद बच्चों।